अगर हमारा कहीं और ऐड रहता तो हम यहाँ इस दलदल में क्या करते इस हाल में और रात रात भर एक कृष्णनंदन पासवान हैं वो और लक्ष्मी शाह आके बारह बारह बजे रात को आके टॉर्चर करते थे रात में ही मेरे साथ मतलब ऐसे मतलब कुछ गलत गलत हरकत कर रहे थे तो हम उसको मेरा बुखार है और जार बुखार था हम उसको साइड कर दिए ठेल के हम बोले मारिएगा मार, मार लीजिए लेकिन ऐसे हमारे साथ मत कीजिए तो जैसे एक मियाँ बीबी सोते हैं उस तरह से सो रहे मतलब सो रहे थे उसी तरह से वो बच्चे दवाई होता है गलत दवाई वो हमारे शरीर के अंदर से डाल दिया मान लीजिए किट में दिखाया हम माँ बनने वाले हैं उस इंसान को सवा महीने का बच्चा दवाई दिया तभी तो ऐसा हुआ ना अब ब्लीडिंग कोई से कोई भी इंसान पीरियड होता है तो तीन से चार दिन होता है पांच दिन होता है एक हफ्ता ऊपर तक ब्लीडिंग कैसे आएगा उस जबी से हमारा पेट निकला हुआ है कैसे गलती है आपकी भी गलती है ना आप अपनी गलती मानते हैं कि नहीं मानते हैं कैसी गलती है आप बताइए ना आप किसी और को धोखा देकर यहाँ शादी किए है जब आपकी माँ को वहाँ करा दिए तो आपको वहाँ रहना चाहिए था तुझे खाना बेच दूंगा ना कभी तू अपना मुंह भी नहीं हम लोग को दिखा सकती है ना किसी को कुछ बता सकती बात बोले है तो कौन है लक्ष्मी साहब अभी हमारे साथ एक ऐसी महिला है जो प्यार के चक्कर में पढ़ के अपने पहले वाले पति को छोड़कर किसी और से शादी करता है ऑनलाइन प्यार इनको हो जाता है उसके बाद जो भी वर्तमान में इनका जहाँ शादी किए वहाँ भी इनको पति रखने से साफ से इनकार कर दे और इनको प्लेटफॉर्म पर रेलवे स्टेशन पर छोड़ के चल गए थे क्या मैडम क्या सारा माजरा है क्या हुआ आपके साथ मैं लधकाना में 5 तारीख को डेट था हम तो वो भी गए थे कौन कुंदन सामियारेपाते हम हम भी गए थे तो दोनों में मतलब रजामंदी के साथ मतलब बात वो हो गया था तो बोले हम अच्छे से रखेंगे जब कहीं नहीं छोड़ेंगे अच्छे से रखेंगे घर आते-आते रात हो गया फिर एक आदमी नहीं दो आदमी नहीं दस दस इसके रिलेशन का आदमी बोलता था जो इसी को मार देगा तो किसके साथ रहोगी जिसके साथ इसका और जगह चक्कर चलता था उसका गार्जियन सब गुस्सा में थे तो उसकी गार्जियन उसके खिलाफ है नहीं मतलब जो लड़की के साथ जो औरत के साथ जो चक्कर चल रहा था सबको मतलब मीडिया में जो लाया गया वीडियो में तो सब गुस्सा था सब देख के तो इसको मारने के लिए ढूंढ रहे थे तो एक आदमी नहीं दो नहीं इसका रिलेशन का आदमी सब फोन कर करके बोलता है इसी को मार देगा तो किसके साथ रहोगे हम बोले जब इतना कुछ हुआ है अब बंदा सुधर गया होगा अब इसके पास शर्म होगा तो अब हमको ऐसे नहीं छोड़ेगा किसी के भी मेन चीज़ होता है इज्जत अगर इतना इज्जत उछला है तो कोई भी इंसान सुधर जाएगा हम भी बोले कि कोई बात नहीं अब ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपना चलते हैं तीन बजे सुबह हमको ले गए तो यही पासमान चौक पर पानहाट में रूम लिए उसका दोस्त है एक तो वही रूम दवाए वहाँ पे बीस दिन रखा वहाँ पे भी मारना पीटना मेरा दोनों तोड़ के फेंक दिए मोबाइल पंद्रह दिन तक छीन के रख लिए बहुत मार मोबाइल क्या छीन लिए थे मोबाइल इसलिए छीन लिए जो हाँ मेरे से कोई बात ना कर पाए उसको मतलब मन में था जो हाँ किसी से भी बात यहाँ का मतलब जानकारी देगा या मतलब कोई इसको सपोर्ट ना मिले जैसे आप लोग का नंबर था और भी थाना का नंबर था वो सपोर्ट हमको ना मिले अच्छा तो सुनने में आगे कि कुछ लोग कह रहे थे कि आपका कहीं और अफेयर है गलत है सबूत ला के दीजिए गलत कह रहे हैं लोग गलत कह रहे हैं सबूत ला के दीजिए जैसे इसके खिलाफ सबूत मिल रहा है हमारा भी सबूत ला के दीजिए अगर हमारा कहीं और एफ रहता तो हम यहाँ इस दलदल में क्या करते इस हाल में आप ही बताइए ना अच्छा उसके बाद क्या हुआ आपको कहाँ बाहर भी कहीं ले गए थे क्या उसके बाद बहुत मारता पीटता था पड़ोसी बोलता था जो पति पत्नी तो नहीं लगता है पति पत्नी तो आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहता है ये ड्यूटी से आता है इतना मारता है इतना सब सुन के मतलब रूम जो है उनको मतलब कंप्लेन कर दिए तो उनको बिना बताए क्या किया इस ये इस इंसान ने रूम खाली करके और लक्ष्मी शाह है इसी का चाचा लगेगा लक्ष्मी शाह बोलो यहाँ पर ले आ तो मुंबई ले गए वहाँ पे भी ले जाने के बाद सही था सब कुछ मतलब बोले थे पैसा नहीं है लक्ष्मी साहब बोले सब कुछ हम दिलाएंगे काम करेगा तो पैसा हमको तुम दे देना उसके बाद क्या हुआ मारना पीटना हर एक चीज़ हमसे बेरुखी करके हम जैसी बात करते हमको थप्पड़ बैठा देता था बहुत मारता था बर्दाश्त हम बोले बोलेंगे के, केस किए हैं तो इसकी कर तो अगर छोड़ के हमको नहीं भागता तभी केस नहीं करते ना इनकी गलती है ना लेकिन हम सोचो केस किए के इसलिए गुस्सा है मार रहा है बर्दाश्त कर लेते लेकिन बहुत मारता था बहुत मारता था और रात रात भर एक कृष्णनंदन पासवान पासमान है वो और लक्ष्मी शाह आके बारह बारह बजे रात को आके टॉर्चर करते थे और कुछ भी लाके नहीं देते थे बोलते थे खड़ा हो के एक पैर पे हमारे लिए खड़ा रहो इस बंदा ने एक दिन भी अपना कपड़ा नहीं धोया इतना दिन रखा है तीन महीना वहाँ दो महीना वहाँ डेढ़ महीना वहाँ लेकिन एक एक कपड़ा हर एक चीज़ हम करके दिए हैं फिर भी हमको कभी बीवी का सम्मान और बीवी का जो हक होता है कभी नहीं मिला अच्छा ये आपको इनसे प्यार कैसे हो गया था थोड़ा बताइए से फेसबुक से बात हुआ था फेसबुक से हुआ था फेसबुक से हुआ था और आपके अभी बच्चे कितने हैं बच्चे तो दो हैं सुनने में आया है कि आप कोई फिर प्रेग्नेंट जैसे कि तो मतलब खाना उना मतलब रूखा सूखा जो भी होता तो खाना इंसान खाना होता है दाल चावल चाहे जो भी उठता इंसान भरपेट खाना खा लेता है लेकिन हम खाना नहीं खा पाते तो हमको दाल बदबू आता तो उल्टी वगैरह होता था वही मुंबई में तो इसको शक हुआ जो इसको बुखार आ रहा है खाना नहीं खा खाना नहीं खा रही है तो उसको शक हुआ तो डॉक्टर क्या मेडिकल से एक किट लेके आया और पेशाब जांच किया तो उससे बता दिया जो हम माँ बनने वाले हैं रात में ही मेरे साथ मतलब ऐसे मतलब कुछ गलत गलत हरकत कर रहे थे तो हम उसको मेरा बुखार जार बुखार था हम उसको साइड कर दिए ठेल के हम बोले मारिएगा मार, मार लीजिए लेकिन ऐसे हमारे साथ मत कीजिए उसके फिर बाद में तो हम बोले क्या जो साथ में तो इन्हीं के रहना है यही यही हमारा पति हम तो सब कुछ मानते अगर वो नहीं मानता तो उसमें हम हमको उस सपना थोड़ी ना आ रहा है जो मेरे साथ वो गलत करना चाहता है हम सो रहे थे जैसे एक मियाँ बीबी सोते हैं उस तरह से सो रहे मतलब सो रहे थे उसी तरह से वो बच्चा दवाई होता है गलत दवाई वो हमारे शरीर के अंदर से डाल दिया मान लीजिए किट में दिखाया मां बनने वाले उस इंसान को सवा महीने का बच्चा कैसे गिर जाएगा दवाई दिया तभी तो ऐसा हुआ ना अब ब्लीडिंग कोई से कोई भी इंसान पीरियड होता है तो तीन से चार दिन होता है पाँच दिन होता है एक हफ्ता ऊपर तक ब्लीडिंग कैसे आएगा उस जब ही से हमारा पेट निकला हुआ है अभी भी आप कुंदन साहब को अपना पति मानते हैं लेकिन वो नहीं मानते हैं आपको पत्नी पति मानते इतना कुछ बर्दाश्त किए नहीं मानते हैं आपको वो नहीं मानता था कभी वो बीवी का सम्मान बीवी का हक जो होता है कभी हमको नहीं मिला सास ससुर आपके वो भी उन्हीं के साथ यहाँ पे हमको महिला था दिल्ली ले जाके हमको छोड़ दिए दिल्ली ले जाके लक्ष्मी शाह जो है वही रूम लेके रूम दिलवाया था वही रूम खाली करवा दिया बहुत गाली फाली दिया बहुत वहाँ पे हमको लक्ष्मी शाह टॉर्चर किया और कृष्ण नंदन पासवान तो वही रूम खाली करवा दिया तो बोले कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे तो सीधा दिल्ली का टिकट कटा लिए और डिल ट्रेन में बैठ गए और लास्ट में हमको हॉस्पिटल हॉस्पिटल ले जाके और भर्ती सफाई हम सीरियस थे एक तरह से बोलिए तो हमको दो दिन और नहीं है। हमको हॉस्पिटल में मतलब इलाज होता तो हम मर जाते तो हॉस्पिटल ले गया तो हॉस्पिटल लेडीज़ नर्स है वो बोली क्या जेंट्स को आना अलाउड नहीं है आप बाहर आइए बाहर रहने के लिए उतना ही पे बोलो उतना ही हॉस्पिटल के बाहर से ही हॉस्पिटल ही छोड़ के भाग गया हमको और सिम हर बेर के तरह सिम चेंज कर लिया हम फ़ोन किए एक बार फ़ोन खोला हम फोन किए आप कहाँ हैं जो चलिए है ना भर्ती करने के लिए बोल रहा है जो उसके लिए चादर वगैरह सब लेके आएंगे तब भर्ती होंगे आज नहीं होना है ऐसे हम बोले तो बोले क्या जो कुछ खा रहे हैं भूख लगा हुआ है पानी पी रहे हैं आ रहे हैं उसके बाद बोले अंजलि मेरा फ़ोन में बैठी नहीं है जो मोबाइल बंद होने वाला है हम बोले किसी के उससे भी पूछ लीजिए आप कहाँ पे हम आ रहे हैं आपको वहाँ से मतलब उस जगह नया था हमारे लिए नया नहीं था क्योंकि हम दिल्ली में रह चुके हैं तो हम बोले आप खान मार्केट के पास है कहाँ है आप पूछ लीजिए ही मोबाइल ऑफ होने वाला है करते करते उसका बंदा का मोबाइल पूरा चार्ज था हार्डवेयर की का सिम निकाला दूसरा सिम लगाया से रफू चक्कर हो गया भाग गलती तो आपकी है इस... कैसे गलती है आपकी भी गलती है ना आप अपनी गलती मानते हैं कि नहीं मानते हैं कैसे गलती है आप बताइए ना आप किसी और को धोखा देकर यहाँ शादी किए जब आपके मामा को वहाँ करा दिए तो आपको वहाँ रहना चाहिए था तो किसी और को धोखा दिलाने वाला इंसान ये है ना बोला कुछ भी होगा हम रखना चाहिए था ना क्योंकि आपके बच्चे थे दो बहुत भोगे अब हमारी कुछ गलती नहीं है जितना गलती हम बहुत भोग लिए अब हमारी कुछ गलती नहीं है गलती नहीं मान रहे हैं गलती तो हम माने गलती मानते हुए ना तब ना इतना गिर के रहते थे अगर गलती नहीं मानते थे इतना गिर के कैसे रहते तो कोई भी इंसान मार रहा है तो चुपचाप मार खा रहे हैं है ये रखना चाहते थे तब तो आपको यहाँ ले आए बाहर रखे अपने घर ले आए अब क्या हुआ क्यों नहीं रखना चाहते हैं कुछ तो वाद विवाद हुआ होगा नहीं वो अगर नहीं रखना था तो घर पर क्यों लाते वो केस से बचने के लिए में लाए ना आपको जब अपना पत्नी मान ली आपको यहाँ पर ले आए यहाँ पर रख रखने लगे उसके बाद में सारा विवाद हुआ अगर नहीं रखना था तो आपको से दे, छोड़ देते दे, घर पर नहीं लाते हमको टॉर्चर करके परेशान करके हमको बहुत परेशान करके बहुत मारते भी थे परेशान करके एक तरह से हमको छोड़ना चाहते थे एक तरह से आप मान लीजिए अगर रखते तो हम हमको छोड़ के ही क्यों भागते आप ही बताइए ना अगर रखते तो आप हमको क्यों छोड़ के भागता आप ही बताइए लेकिन आपकी सास आरोप लगा रही है कि आप बजलन है आप इस तरह की औरत है इसलिए आपको नहीं रखना चाहते हैं बजलन तो उसका मतलब एक तरह से बोले तो वो खुद है क्योंकि उसके पास बेटी नहीं है इसलिए किसी को बज्जलन बोल रहा है एक तो उसका बसा बसा है उसका बेटा घर उजार दिया उसके बाद जो है उसको एक्सेप्ट करने में क्या जाता है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं की जाते जाते भी हम उसका पैर छुए सब कुछ कैस और क्या क्या आपके साथ मतलब यहाँ पर दुर्व्यवहार किया जाता है वही लक्ष्मी साहब बोले थे रात को बारह बारह बजे आता था ये मारता था कुंदन शाह और लक्ष्मी साह वो बोलते था जो यहाँ पे आस पास में भी मंडी में यहाँ पे भाग्य नगर में भी मंडी है वो मुंबई में यहाँ पे भी मंडी में मैं साली तू चिंती नहीं है मुझे बहुत गंदा गंदा गाली दे के बहुत गंदा से गंदा भद्दा से भद्दा गाली दे के जो तू चिंती नहीं है तुझे खाना बेच दूंगा ना कभी तू अपना मुंह भी नहीं हम लोग को दिखा सकती है ना किसी को कुछ बता सकती है कौन है लक्ष्मी शाह आपके ससुर हुए क्या नहीं मेरा ससुर का भाई लगेगा ससुर का भाई जरा सोचिए कि ये महिला अपने पहले वाले बसा बसाया घर छोड़कर कुंदन शाह के प्यार में पड़ जाती है और यहाँ पर अपना घर छोड़कर यहाँ पर चल जाती कहीं ना कहीं इनको प्यार था यहाँ शादी किए रखे उसके बाद इनको रखने से इनकार कर दिए और अब कहते हैं बाहर ले जाते हैं उसके बाद कि तुमको बेच देंगे इस तरह का व्यवहार कहीं ना कहीं गलत है इस तरह का मतलब दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए एक महिला के लिए इनको न्याय मिलना चाहिए और न्याय के नाम पर इनको सिर्फ लगभग पाँच छह महीना से बलगराया जा रहा है प्रशासन के द्वारा अभी प्रशासन मदद कर रही है कर रही है कहीं नहीं, मिली है। कहीं नहीं है। <laughs> अगर मान लीजिए जो इंसान चार चार बार भूषण कराया है चाहे जो भी इंसान मारपीट किया उस इंसान को इतना प्यार से क्यों समझाएगा उस इंसान को थप्पर दो तो, उस इंसान को मारो उस इंसान को शासन में लाओ लेकिन उसको बहुत प्यार से समझाया जाता है बाबू इसको रखोगे